जय श्री राम। संस्कार, शुभ और सत्संग चैनल के लिए राम मंदिर के भव्यतम निर्माण की बहुत बहुत बधाई। श्री रामो विग्रहवान धर्मा। मोक्षदायिनी नगरियों में प्रथम नगरी अयोध्या की पावन जन्मस्थली पर साक्षात धर्म की प्रतिमा, जिनको कहते हैं श्री रामो विग्रहवान धर्मा, ऐसे भगवान श्री राम जी का चिर प्रतीक्षित मंदिर, जिसके लिए न जाने कितने बार आंदोलन हुए, अयोध्या नगरी पर राम मंदिर के निर्माण को लेकर के लगभग 80 बार आक्रमण हुआ। उन तमाम संघर्षों के बाद बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी बलिदान जिसके लिए दे दिए, न जाने कितने भक्तों ने अपने प्राणों को गंवा दिया, लेकिन वे लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री राम जी के भव्यतम मंदिर के निर्माण का वह परिदृश्य नहीं देख सके। उन तमाम राम भक्तों के लिए जिनका बलिदान हो गया, उन तमाम संतों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, इसलिए उनके लिए शरणों में हम सत सत नमन करते हैं। इस पावन अवसर पर उन्हीं का वह प्रयास है, उन्हीं का वह संघर्ष है, उन्हीं के बलिदान का ये परिणाम है कि आज हम और आप अयोध्या की परम पावन स्थली पर, जिस स्थली पर प्रोध मान्य जगन्नाथ है, सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम सर्वलक्षण संयुतम, ऐसे जो सर्वलक्षण सर्व संस्कार के केंद्रभूत भगवान श्री राम भद्र थे, जो न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए आराध्य हैं और वंदनीय हैं, जिनके प्रेरणाओं को लेकर, जिनके चरित्र को श्रवण करके हम अपने मानव जीवन को सार्थक दिशा में चल पड़ते हैं, ऐसे रघुनंदन श्री राम जी का जो भव्यतम दिव्यतम और नव्यतम मंदिर होगा, आने वाली युगों युगों तक पीढ़ियों के लिए सत पथ पर चलने की प्रेरणा देगा। क्योंकि भगवान राम विग्रहवान धर्म है, जिनके लिए कहा जाता है कि श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगे पानी। ऐसे जो भगवान श्री राम जी हैं, अवधपुरी सो है यही भांति प्रभु ही मिलने आई जनुराती। ऐसी अयोध्या आज राम जी के मंदिर के निर्माण के शुभ संकल्प से इतनी प्रफुल्लित दिखलाई पड़ रही है, सरजू जी के जल में कल कल छल छल का निनाद दिखलाई पड़ रहा है, क्योंकि आज चर प्रतीक्षित रघुनंदन श्री राम जी का भव्यतम मंदिर का निर्माण का शुभारंभ और शुभ मुहूर्त पर पूजन करेंगे देश के अत्यंत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी महाराज, और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और अनेकों संतों के सानिध्य में परम पावन शुभ मुहूर्त पर 5 अगस्त के ठीक 11:30 बजे से पूजन का शुभारंभ होगा। आप अपने अपने घर में अपने अपने संस्कार चैनलों को और अपने अपने टीवियों को खोल करके अपने इस मंगलतम और ऐतिहासिक पल पर अपनी नजरों को अपने अपने दूरदर्शन पर लगाएं और निश्चित रूप से इस भव्यतम दिव्यतम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के शुभ पूजन के अपनी आंखों को आप साक्षी बनाएं, क्योंकि यह नगरी श्री राम के बिना उसी तरह से सुशोभित नहीं हो रही थी, जैसे कि कहते हैं ऐसा रामेण नगरी शोभा नाति शोभते, भगवान राम के मंदिर के बिना इसकी शोभा नहीं थी। हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं, इस पावन क्षण पर अपने अपने घर में मंगल दीप जलाएं और आरती करें और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला को गा करके अपने जीवन को कृतकृत और सार्थक करें। जय श्री राम।